मंत्रालय कर्मचारी ने अपनी मांग रखी थी, लेकिन बजट में इनकी मांगों को नकारा गया है, इनकी मांगों को नहीं माना गया। तो आइए बात करते हैं, विरोध किया है इन्होंने, मंत्रालय कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इनसे पूछते हैं कि किन मांगों को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। जी सर, राजस्थान राज्य के मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जो है विगत 2013 से संघर्षरत है। इसी क्रम में हमारी जो मुख्य मांग थी, सचिवालय के समान वेतन भत्ते किए जाना, न्यूनतम ग्रेड पे 3600 और जो न्यूनतम वेतन चाकरी सहायक का 9840 पुनः बहाल करना, जो कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ही दिया गया था। इसके क्रम में बहुत दौर वार्ताओं का दौर चला, जिसमें माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 18 जनवरी को सभी संगठनों को बुलाकर यह आश्वासन दिया गया कि बजट सत्र में इन मांगों का निराकरण होगा, साथ ही इस बजट सत्र में इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन बजट सत्र में एक भी मांग का पूरा नहीं होना इस बात को सूचित करता है कि सरकार हमारी मांगों को लेकर सीरियस नहीं है। इसी क्रम में आज से हमने आगामी आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। वही आंदोलन की रूपरेखा से हमने राजस्थान सरकार का अवगत कराने के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से आज ज्ञापन दिया है, जिसके क्रम में आज हमने बजट सत्र के उन भागों का, जिसमें कर्मचारियों के कल्याण हेतु जो निर्णय के द्वारा कुछ लिए गए हैं, क्योंकि हमने प्रक्रिया चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन से वार्तालाप करने के बावजूद उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, क्या कहेंगे? सर, यही कहेंगे, सरकार ने जो वादा करा चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था सारे सरकार और हम उनसे पूरा विश्वास था, लेकिन जैसे ये बजट उसके दौरान उसमें किसी भी संगठन के किसी भी कर्मचारी के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। और विशेषकर मंत्रालय कर्मचारी तो 3 दशक से भी खैर बात नहीं 98 से ये संघर्ष करता आ रहा है, और जो सरकार ने पिछली सरकार ने उन्हीं ने दिया था, वो सरकार सरकार ने जो कटौती की थी, हम उसकी बहाली की बार बार इनसे निवेदन कर रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था, उसके बावजूद कोई निर्णय नहीं करते, ये अनुरोध है। और अगर सरकार ने अभी नहीं सुना तो राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी जो है वो महापराध इसके लिए आ सकता है। प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर, बजट में आपको नकारा गया है, आपके जो मांगे थी उनको नहीं माना गया, यदि आपने संगठन के वार्तालाप करने के बावजूद आपको जो मांगे थी वो नहीं मानी, तो क्या कहेंगे? सुना पड़ेगा हमने क्या है कि अब किया है हमारे जो महासंघ राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने आज ऐलान कर दिया है, जो मांगे नहीं मांगी मानी गई, बजट सत्र में घोषणा नहीं की गई उसकी, उसके बदले में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवा दिया है, और आगामी आज से और आगामी हमारा रहेगा ये 20 फरवरी से 8 मार्च तक कार्य पूर्ण तय कार्य बहिष्कार रहेगा और धरना प्रदर्शन। कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है आपने, यदि मांगे नहीं मानी गई है तो? हाँ सर, मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने मांग वो दी है चेतावनी, अगर हमारी पूर्व बजट में मांगे मानी गई है तो हमारे लिए और सरकार के लिए। कितने आप जो मांगे थी वो यदि वो नहीं मानते हैं तो कितने का आप आंदोलन करेंगे आगे? जो भी ऊपर से जो प्रदेश स्तर तक जो आह्वान करेगा उसी के अनुसार। यदि मांगे नहीं मानी जाती है इनकी तो ये बजट में इनको नकारा गया, लेकिन यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आगामी 9 मार्च से ये महापड़ाव की चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, विजय चौहान राजस्थान तक।